हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डन ऑन चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मेरे घर में माली भैया आए हुए हैं। ये हर वीक मंडे मॉर्निंग मेरे घर में आते हैं और क्यारी की गोड्डी करते हैं और इसके बाद सारे पॉट्स की गोड्डी करते हैं कुछ इसी तरह। और मेरे घर में हर हफ्ते प्लांट्स की केयरिंग होती है, पिंचिंग होती है और गोड्डी की जाती है। और जो मैं न्यू शॉपिंग करके लाई होती हूँ प्लांट्स, उसको भी लगाते हैं मंडे को ही। और ये दोस्तों, मेरा जो पॉट है इसमें पहले अरिका पाम लगा हुआ था और ये बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया और इसको काउ ने भी खा लिया और इससे मुझे बहुत दुख की बात है। वैसे तो मेरा प्लांट कभी ख़राब नहीं होता, मैं इसमें काफ़ी खाद वगैरह और नीम खली ऐड करवाती हूँ और मुझे बहुत ही दुख लग रहा है इस बार। और ये मेरे जो प्लांट था रिका पाम, ये काफ़ी सालों से मेरे पास था घर में और इसमें मैं अब फोनिक्स पाम ऐड कर रही हूँ। और ये माली भैया आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको रिपोर्ट करें। और पहले सारी मिट्टी निकाली जाएगी, इसको साफ़ किया जाएगा और इसकी सारी स्टेम्स निकाली जाएंगी और इसके बाद वो आपको दिखाएंगे कैसे हम कंपोस्ट मिक्स करेंगे और स्टेम्स को निकाल देंगे। या आपको पूरा प्रोसेस मेरे माली भैया आपको करके दिखाएंगे। अब मैं इसमें लेडी पाम रिपोर्ट करवाऊंगी भैया से। और ये पॉट मैं काफ़ी देर से लाई हुई थी, ओनली इन 300 रुपीज़। और ये मजीठा बाईपास पे ही है ये नर्सरी, मुझे इसका नेम याद नहीं है। और ये बनाते भी हैं खुद और सेल भी करते हैं गमले। और ये है लेडी पाम और आज मैं इसको भी लगवाऊंगी। ये मेरे गार्डन में न्यू प्लांट है, मैंने इसको कभी नहीं लगाया, काफ़ी अच्छा है। भैया कहते जब भी आप लेडी पाम लगाएं या तो इसकी खुद पिंचिंग करते रहें या तो माली अगर लगा हुआ है उससे करवाएं, क्योंकि जितनी इसकी पिंचिंग होगी ना तो दोस्तों उतने ही इसमें न्यू प्लांट्स आते रहेंगे। और नेक्स्ट वन है ड्रेसीना, ये भी मैं लाई हूँ नर्सरी से ही। ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला है, काफ़ी चीप रेट्स हैं। नहीं तो ये आप और नर्सरीज में जाओगे अमृतसर में, आपको 120 से कम कभी नहीं मिलेगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इसकी, इसको मैंने पहले भी यहाँ पे अपने गार्डन में लगाया हुआ है और ये काफ़ी सुंदर लगता है गार्डन में।
उसको देख सकते हो, इसके पत्ते कितने शाइनिंग है। जब भी रिपोर्ट करते हो फ्रेंड्स, उसी टाइम पानी ज़रूर दें प्लांट्स को, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो मर जाएगा। इसमें ब्राउन कलर होने लग जाएगा पत्तियों में। सो पानी बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट करते टाइम।